Hi everybody. Today we are going to talk about the ABC of debt instruments. So before we start the topic, let me just give you a little bit of a base of what debt instruments are. Have we all ever used it or not? Should we ever use it or not? So basically, debt instrument is anything where you invest somewhere and you can expect a fixed flow of income out of it. The classic example is the fixed deposit that we have. सो फिक्स डिपॉजिट में कभी ना कभी कि हम लोग ने सब ने कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया रहेगा. कुड बी द स्मॉलेस्ट ऑफ द अमाउंट्स, कुड बी द लार्जेस्ट ऑफ द अमाउंट्स. वेन एवर यू गॉन टू अ बैंक, पीपल लिटरली पुश यू कि आप एफडी बना लो, एफडी बना लो. सो दैट्स लाइक द बेसिक एंड द मोस्ट ईजिएस्ट फॉर्म ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट एनीबडी कुड अंडरस्टैंड. इनफैक्ट इट इज सो ईजी के इन द ईयर ऑफ 1980s टू 1990s बैंक्स ने इतना पुश किया था एफडीज को कि सबके जहन में बैठ गया कि एफडी मतलब एफडी इज द वे टू गो, एफडी इज द अल्टीमेट थिंग. सो व्हाट यूजुअली हैपेंस इज दैट व्हेन वी स्पीक टू आवर पेरेंट्स, आवर ग्रैंड पेरेंट्स, एंड इफ वी टॉक अबाउट इन्वेस्टिंग, यूजुअली द केस इज के तुमको जो करना है करो, तुमको स्टार्टअप में डालना है तो डालो, तुमको इक्विटी में डालना है तो डालो, कहीं और डालना है तो डालो, बट यू हैव टू हैव एन एफडी विच विल कीप यू सिक्योर. दैट हैज बीन द नोशन ऑफ अ जनरेशन, मे बी टू जनरेशन इन इंडिया. And that's how effective people had made FDs. So just with that, we start with our topic. But let me give you one big warning here. Whenever in case of debt, we are individual investors. So the easiest thing that we always have to follow the easiest things that we find. Anything in the market which you find is very straightforward, very easy, go for it. It's a thumbs up. एनीथिंग जहाँ पे तुमको ऐसा लग रहा है कि ये नाम कुछ अटपटा सा लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, देर इज समथिंग वे बियॉन्ड वॉट द नेम सजेस्ट और वॉट द फॉर्म और द स्ट्रक्चर ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट सजेस्ट, स्टे अवे फ्रॉम इट, दूर रहो. जितना एग्जॉटिक नाम रहेगा उतना ही पीछे से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स निकलेगा एंड इट विल एक्चुअली लैंड यू इन ट्रबल रादर देन सेविंग योर मनी. सो जस्ट एक गॉसिप करते हैं इस बारे में. I'll just give you an example of an exotic name which was used in the US extensively in 2008, which eventually led to the 2008 crisis of US. So it is called credit default swap. Now the whole name, we'll just break it down. Credit default swap matlab credit matlab jo bank ne credit diya tha, kisi ko loan diya tha, uska agar koi default karega to uske liye bank went to some other investor saying कि मैंने एक जन को लोन ऑलरेडी दिया हुआ है, बहुत सारे लोगों को लोन दिया हुआ है, एंड आई फियर दैट सम पीपल आउट ऑफ दीज पीपल माइट डिफॉल्ट ऑन द लोन. सो आई एम गोइंग टू एन इन्वेस्टर एंड नाउ एज अ बैंक आई एम टेलिंग द इन्वेस्टर कि ये मेरे सारे लोन अकाउंट्स है जो मैंने लोन दिया हुआ है एंड आई एम एक्सपेक्टिंग अ पे आउट फ्रॉम देम इन द फ्यूचर. यू इन्वेस्ट इन मी, यू गिव मी सम फंड्स एंड यू टेक द रिस्क ऑफ दीज पीपल. And in exchange of the risk, I will give you a premium on it. Now, basically, ये क्या किया था वो लोग ने, नाम इतना exotic कर दिया था, it was just basically an insurance policy for the banks. क्योंकि bank ने अगर loans दिया हुआ है तो वो लोग को एक insurance चाहिए था कि कोई default करे तो मैं बच जाना चाहूँ. But you cannot take an insurance on the loans as a bank as per the US laws. So, वो लोग ने एक नया नाम निकाला स्वॉप. Now, what swap basically meant was कि मैंने रिस्क एक्सचेंज कर दिया इन्वेस्टर के साथ. इट वॉज एन इंश्योरेंस बट इट वॉज यूज एज एन एक्सॉटिक नेम. इवेंचुअली ऐसा हुआ कि बैंक्स का जो ओवरऑल लोन का एक्सपोजर था वो कम दिखते गया बिकॉज दे केप्ट ऑन फाइंडिंग इन्वेस्टर्स, केप्ट ऑन फाइंडिंग कंपनीज हु वुड एक्सचेंज देयर रिस्क फॉर अ प्रीमियम एंड देन इवेंचुअली दे केप्ट ऑन गिविंग मोर एंड मोर लोन्स. इवेंचुअली क्या हुआ, मार्केट में सप्लाई इतना बढ़ गया, it became very easy for people to even buy houses there. One very straightforward one middle class person of a US citizen, it was buying 4 houses and 5 houses. Itna zyada money supply bad gaya tha and loan milna itna easy ho gaya tha, rate of interest itna kam ho gaya tha wahan pe. Eventually what happened is everybody started defaulting slowly and steadily and a chain reaction broke out. एंड वो चेन रिएक्शन में ऐसा हुआ कि देर वर अ लॉट ऑफ कंपनीज हु आर प्रूडेंट इनफ कि ठीक है, दिस इज अ स्वॉप दैट आई एम गोइंग टू यूज विद माई इन्वेस्टर्स बट आई एम गोइंग टू बी प्रूडेंट विद इट, कि मैं बहुत ज्यादा इसमें मस्ती नहीं करूंगा, बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं लूंगा. बट देन देर वर कंपनीज विद देर वर बैंक्स जो लोग ने इतना ज्यादा एक्सटेंसिवली इसको यूज किया था
इवेंचुअली दे वर नॉट एबल टू डू एनीथिंग अबाउट इट. इतना ज्यादा डिफॉल्ट हुआ, इन्वेस्टर्स गॉट नथिंग, द बैंक्स गॉट नथिंग, इवेंचुअली एवरीथिंग जस्ट कोलैप्स्ड. एंड देन वी सॉ द 2008 क्राइसिस, एंड एज यू नो दैट एवरीथिंग एल्स इज अ हिस्ट्री ऑफ हाउ थिंग्स हैपन. सो स्टार्टिंग विथ द होल टॉपिक ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट्स, वील जस्ट टॉक अबाउट वेरी सिंपल सिंपल थिंग्स राइट नाउ, बिकॉज जस्ट एक बिगनिंग के लिए, अबाउट सम फिक्स्ड रेट इंस्ट्रूमेंट्स एंड फ्लोटिंग रेट इंस्ट्रूमेंट्स. आई टेक यू थ्रू वेरी क्विकली थ्रू इट. फिक्स्ड रेट मतलब आपका वेरी क्लासिक एग्जाम्पल इज एन FD. आप अगर FD ले रहे हो, 7% पे ले रहे हो, 3 साल के लिए लिया, 4 साल के लिए लिया, 5 साल के लिए लिया, डज नॉट मैटर, 7% ही आपको मिलेगा. एंड दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू बी. अपार्ट फ्रॉम FDs, देर विल ऑल्सो बी अ लॉट ऑफ बॉन्ड्स, देर विल बी अ लॉट ऑफ डिबेंचर्स दैट विल बी फिक्स्ड रेट, एंड वो फिक्स्ड रेट पे ही चलेगा. आप वो फिर 3 साल के लिए लो के 10 साल के लिए लो, इट डज नॉट मैटर. अपार्ट फ्रॉम दैट, इन फ्लोटिंग रेट इंस्ट्रूमेंट्स ऐसा होगा जो रेट का रिविजन करेगा एवरी नाउ एंड देन बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक कंडीशन. सो मे बी देर इज अ चेंज इन रेट क्वार्टरली, मे बी देर इज हाफ ईयरली, मे बी इट इज ईयरली बेस्ड ऑन द इंस्ट्रूमेंट. सो अगेन यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ बॉन्ड्स, अ लॉट ऑफ डिबेंचर्स जो आपको फ्लोटिंग रेट पे मिलेगा, कि अगर बैंक ने रेट बढ़ा दिया है एंड द एक्सपेक्टेड रेट इन द मार्केट हैज इंक्रीज, सो आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाएगा. अगर बैंक कम कर रहा है, एक्सपेक्टेड रेट इन द मार्केट डिक्रीजेस, तो आपका भी रेट कम हो जाएगा. दैट्स अ वेरी सिंपल डिस्टिंक्शन बिटवीन अ फिक्स्ड रेट एंड अ फ्लोटिंग रेट. नाउ व्हाट हैपेंस इज, आई जस्ट टॉक टू यू अबाउट अ सीसॉ इफेक्ट. तो सीसॉ इफेक्ट इसमें कैसे होता है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला सिक्योरिटीज में, नाउ लेट्स से यू हैव बॉट अ डिबेंचर फॉर 1,000 रुपीज एंड उसने प्रॉमिस किया है कि फिक्स्ड रेट मेरा 7% है. So and you thought that you will be holding it for another 5 years. Now what happens at the end of the third year, you feel ke nahi mere ko abhi ye nahi chahiye, because rate of interest jo bahar baki ke bonds de rahe hain, jo naye naye issues aaye hue hain, in fact what even the bank is offering, it is lot better than the 7% that I'm getting. So let me sell it off in the market, mere ko isme se jo bhi paisa milega wo, and eventually out of the money that I get, I will invest in the new instrument which is giving me, let's say, 8.5%. Fairly simple, fairly easy. But how the market plays here with you is ke agar aapka fixed rate of interest 7% pe hai and the rate of interest offered by other instrument is, let's say, 8.5%, there will be a seesaw effect. The seesaw effect just goes something like this. Agar market mein rate of interest baki bonds ka badh gaya hai, to rate of the value of your security reduces. सिमिलरली अगर मार्केट में सबका जो रेट है वो कम हो गया है, तो आपका जो फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट है उसका रेट इंक्रीज होगा. सो व्हाट हैपेंस इवेंचुअली फॉर दिस इज कि व्हेन यू गो टू द मार्केट एंड व्हेन यू ट्राई टू सेल योर सिक्योरिटी, 7% सिक्योरिटी है, 8.5 इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ द मार्केट. सो इंस्टेड ऑफ योर 1,000 रुपीज दैट यू इन्वेस्टेड प्रीवियसली इन योर प्रिंसिपल, व्हाट द अदर इन्वेस्टर विल गिव यू इज प्रोबेबली 950 रुपीज ओनली, बिकॉज ही एडजस्ट्स इट फॉर द काइंड ऑफ डिमांड and the kind of expectation the market has. Similarly, aapka 7% pe chal raha hai and now the new demand is around 5%, let's say. So instead of your 1,000 rupees, you will gain into your principal, and instead of 1,000 rupees, you will get 1,100 rupees because that will again be adjusted in your favor. So that's how the seesaw effect of the bond prices work. And this is only true for fixed instruments. Floating mein ye nahi hota because floating mein rates revise hote jata hai. So eventually, उसका जो बॉन्ड का जो प्रिंसिपल है वो वहीं का वहीं रहता है. सो एज इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स द बिग क्वेश्चन इज इट वर्थ इन्वेस्टिंग इन डेट इंस्ट्रूमेंट्स एट ऑल. बिकॉज क्या होता है कि जब भी हम लोग को वेल्थ क्रिएशन, वेल्थ जनरेशन का बात करते रहते हैं, तो वी ऑलवेज टॉक अबाउट गेटिंग इन टू इक्विटीज. देर हैव बीन सो मेनी न्यू इंस्ट्रूमेंट्स दैट हैव कम इन. स्टार्टअप्स का वी हैड अ सेशन रिसेंटली. सो स्टार्टअप में वी ऑल वॉन्ट टू इन्वेस्ट, वी वॉन्ट टू लुक कूल ऑल्सो. There's crypto that you want to invest. There are so many other private equity mein abhi kafi kuch aa gaya hai. You want to invest in unlisted securities. So many instruments are there in the market. But aapke paas paisa to itna hi hai. Itne mein aise hi jaane wala hai. Itna hi hone wala hai. So then what we do is we try to eliminate something which gives out less returns versus something which gives out more returns. Usually that is the human tendency. But
it is not true and it is not the way it should be done. Because in a personal finance, as a personal finance, what you need to do is you need to be very well aware of what you want, what you need, and be secure about it. So having said that, I'm not saying ke sab kuch aap debt mein dal do. That is going to be another catastrophe. But what you also have to do is you just need to balance out. So usually when you have something, when some obligation that you want to pay off, let's say there's a school fees aapko dena hai, किसी चीज का आपको सब्सक्रिप्शन देना है जहां पे आपको मेंबरशिप करना है. लेट्स से यू आर बाइंग अ कार, यू नो दैट यू आर गोइंग टू बाय विद इन अ ईयर, तो आपको उसके लिए आपने काफी सारा पैसा सेव करके रखा है. बट देन देयर इज, लेट्स से स्टिल बारिश का टाइम है, अभी नहीं लेना है, दिवाली के टाइम पे लेंगे, मे बी कुछ अच्छा ऑफर आ जाए. सो नाउ यू हैव अनदर 3-4 months, 6 months बिफोर यू रियली गेट इन टू बाइंग दैट कार. सो आप पैसा वो बैंक बैलेंस में तो पड़े रहने दोगे नहीं, बिकॉज टू थिंग्स विल हैपन. वन, आइदर ऑल योर मनी विल गेट used somewhere or the other, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इमरजेंसी आएगा where you will feel कि मैंने ये 4 लाख रुपए अलग से रखा है, but let me just dig and take 25,000 out of it, let me just take 10,000 out of it, एक फ्रेंड को मदद करना है, 10,000 मैं ले लेता हूँ, वो बाद में वापस दे देगा, इसमें वापस डाल दूंगा. यूजली इट डजेंट हैपन. क्या होता है, इवेंचुअली आपका जो 4 लाख 5 लाख आपने बचाया रहेगा, इवेंचुअली इट जस्ट गोज डाउन. इट बाई द टाइम यू आर बाइंग द कार, you are somewhere around 3.5 lakh rupees, maybe 3 lakh rupees. Second thing, what happens is, agar aapne bank mein aise rakha and you are still very disciplined, ki ye 4 lakh ko main touch nahi karne wala hu. So still what happens is, the bank is not going to give you any good interest on it. It will maybe give you 3-3.5%. 3-4 महीने, 6 महीने के लिए अगर आपको पैसा रखना है, when you are certain कि आपको उसके पहले पैसे का जरूरत नहीं पड़ने वाला है, then when you are having better options, which at the same risk, are going to give you better returns, then why not go for it? So that is the time you invest in debt instruments. Maybe you can go for a liquid fund. Maybe you can go for some debt mutual fund, some short-term fund, which will give you around 6-8%. And you will be more than happy. Don't be too greedy. Usse zyada expect mat karna. But 6-8% is something that is a phenomenal return when we talk about debt instruments right now. So basically, when you are having a lower risk appetite, because आपके पास time ज़्यादा नहीं है गाड़ी खरीदनी है या fees भरनी है, और at the same time आपके पास, आपको पता है कि अगर इससे कम मैंने भरा तो it is not going to be okay. Car manufacturer जो रहेगा, dealer जो रहेगा, वो आपको गाड़ी नहीं देगा कि आपके पास अगर 25,000 रुपया कम रहेगा तो. आपके पास अगर 25,000 रुपया कम रहेगा, आपको school fees अगर कुछ भरनी है 1-1.5 लाख रुपए की, तो वो 25,000 कम का कोई वैल्यू नहीं रहेगा. इवेंचुअली दे स्टिल फॉलो अप विथ यू द सेम वे कि पूरा फीस भर दो, पूरा फीस भर दो, वरना वो स्टूडेंट्स को ऐसा परेशान करेंगे, डायरीज में बार बार नोट्स भेजेंगे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे. सो यू नीड टू हैव दैट काइंड ऑफ एग्जैक्ट मनी फॉर विच यू नीड कैपिटल प्रोटेक्शन. सो वेन यू आर गोइंग फॉर डेट, मेक श्योर दैट वन ऑफ योर द थिंग्स दैट यू लुकिंग फॉर इज कैपिटल प्रोटेक्शन. बिकॉज अगर वो मिल रहा है, देन इट इज अग्रीएबल कि अगर आपको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट या लो रेट ऑफ रिटर्न मिले, इट इज अग्रीड, बिकॉज आपको पता है कि आपका कैपिटल सिक्योर हो रहा है. एट द सेम टाइम वेन यू हैव अ वेरी लॉन्ग टर्म, आपको घर लेना है, आपको पता है कि आपका ग्रोइंग फैमिली है, बट मे बी 4 or 5 years लेटर यू विल गेट इन टू अ हाउस, मे बी देर इज समथिंग एल्स, मे बी यू वॉन्ट टू हैव अ बिग हॉलीडे, मे बी यू आर प्लानिंग फॉर सम माइल स्टोन अचीवमेंट कि 25th एनिवर्सरी है मॉम डैड की, it's still maybe 5-6 years away and you want to invest something. So that is the time you are having a longer time horizon. You want to plan for retirement, say. You are having around 20-30 years still left in you. So this is a long-term horizon. Abhi ye long-term horizon mein, if you are going for debt instruments, it is not going to build your wealth. It is going to actually take your wealth away from you. So please make sure ke jabhi aap long-term ke liye ja rahe ho, do not go for debt. As much as possible, even if it is for your capital protection, what will happen is कि आपको लगेगा कि आपका capital secure हो रहा है, but then there will come inflation, which will really dig in from all the things that you are gathering, and eventually आप जो सोच रहे हो उससे आपके पास काफी कम रहेगा in terms of value of money. So just make sure that you, whenever you are planning for a long term wealth creation or long term savings also, just make sure that you keep that money aside. Don't expect any returns out of it in the short term. उसको अगर वो equity के mutual fund में डाला है या किसी equity shares में डाला है आपने, उसको वहाँ पे पड़े रहने दो, उसको चलने दो, उसका काम करने दो. बार बार जाके मत देखो कि मतलब कि आज क्या हुआ, आज 1% बढ़ा, 2% बढ़ा, आज मैं निकाल दूँ, आज मैं वापस डाल दूँ.
nobody can be right 10,000 number of times. So just be right once, stay safe, stay with what your strategy is, stay with what your financial advisor is telling you, and you'll be good to go. So basically, what are the kind of debt instruments usually that we look for? As individual investors, we'll keep it very simple. Like I said, कोई भी exotic नाम आ रहा है, कुछ भी नया आपको दिख रहा है कि ये नया चीज है market में, बट समझ में नहीं आ रहा है, stay away from it. So as an individual investor, just go for some fixed deposits, कोई debt mutual funds, simple सा रहेगा वो, liquid funds रहेगा, which will help you for short term, आपको liquidity भी अच्छा देगा, immediately आपको liquidity requirements आपका पूरा करेगा. Just go for it. Now, if you have invested in a debt instrument which is giving you a good amount of capital protection, you are happy with it. Let's say it is giving you around 5-5.5%, and now you are seeing something which is giving you out 6%. Just for that 0.5%, just for that 0.75% of returns, don't do jumping. Utna jumping mat karo, stable rakho apne investments ko, because you are investing in debt not to gain returns, not to be greedy, but to save your capital. But at the same time, just have decent enough so that the short term requirements aapka jo rahega wo aapka pura ho jaye. So just make sure never to be greedy when you are getting into debt instruments. So now I'll just explain you why is debt bad in the long term. Kya hota hai ke when let's say you are investing 1 lakh rupees in your FD, which is giving you a 6% returns, and the inflation rate is also 6%. And you have invested, let's say, for 10 years horizon. कि 10 साल तक मेरे को ये वहीं पर पड़े रहने देना है. I'm not going to touch it anyhow. 6% का मेरा सिंपल इंटरेस्ट का रेट है. 6% का मेरा इन्फ्लेशन चल रहा है. I am okay. I am happy. Now what actually happens is कि जब भी आपका FD का returns आता है, usually that returns आपको अगर वो मिल रहा है तो it comes at a simple interest rate. 1 lakh पे 6% is 6,000. 6,000 आपके बैंक अकाउंट में उसने दे दिया. नेक्स्ट ईयर अगेन 6,000 आपके बैंक अकाउंट में आएगा, उसके अगले साल वापस 6,000 बैंक अकाउंट में आएगा. बट वॉट हैपन्स इन केस ऑफ इन्फ्लेशन इज कि वेन यू आर टॉकिंग अबाउट इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन गोज एट अ कंपाउंडिंग रेट. सो जो 6% का इन्फ्लेशन था, नाउ बिकम्स 12.2%, देन इट बिकम्स 18.3%, देन 24.5%. तो वो कंपाउंड होते जाता है, वो बढ़ते जाता है. सो इवेंचुअली वॉट यू आर लेफ्ट रियली विथ इज कि आपके पास जो बचा है वो, दिस इज हाउ द चार्ट लुक्स लाइक. आपको मिलना था 60,000 रुपीज एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स इज वॉट यू प्रेडिक्टेड, बट एक्चुअली इन रियल टर्म्स वॉट यू आर गेटिंग इज हार्डली समवेयर अराउंड 40-44,000 रुपीज. सो दिस इज वॉट इन्फ्लेशन डज, इट कीप्स ऑन ईटिंग अवे. बट लाइक आई सेड, विद इन द, इफ यू जस्ट चेक विद इन द फर्स्ट 3 ईयर्स, यहाँ पे इन्फ्लेशन जो आपका पैसा खा जा रहा है वर्सेज आपको जो रिटर्न मिल रहा है, उसमें बहुत बड़ा गैप नहीं है. So up to 3 years, you can really afford having your investments in debt instruments, because it is also giving you a premium of safety. And that safety is also very important. So we'll take a real world example. बहुत सारे banks आते हैं, बहुत सारे insurance companies आजकल आ रहे हैं, और वो लोग एक बहुत simple सा एक फंडा दे रहे हैं कि आपको आपका पैसा डबल करवा के देता हूँ. कि आप 1 लाख रुपया 10 साल के लिए मेरे साथ आप रखो, इन्वेस्ट करो मेरे साथ, एंड फिर 11वें साल तक मैं आपको कुछ नहीं दूंगा. 12th ईयर ऑनवर्ड्स आई विल स्टार्ट गिविंग यू, एज एन इंश्योरेंस कंपनी और एज अ बैंक, आई विल स्टार्ट गिविंग यू 2 लाख रुपीज, आपका पैसा डबल हो जाएगा. साउंड्स वेरी अट्रैक्टिव, इट्स अ वेरी गुड मार्केटिंग गिमिक, देयर इज नो मिस रिप्रेजेंटेशन, जस्ट लेट मी टेल यू, बट इट इज जस्ट अ गुड वे टू शो समथिंग विच इज वेरी मीडियोकर. सो वॉट हैपन्स इज कि आपने 1 लाख रुपया 10 साल तक 1-1 लाख रुपया करके आपने डाल दिया. 11th ईयर यू आर गेटिंग नथिंग, बट आफ्टर 12th ईयर यू हैव स्टार्टेड गेटिंग 2 लाख रुपीज फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स. तो इवेंचुअली वो कैसा जा रहा है कि आपने सोचा है कि मैंने 10 लाख रुपया डाला है, फिर मेरे को 2-2 लाख 20 लाख रुपया मिल जाएगा, सो आई विल बी अ वेरी हैप्पी मैन बिकॉज मेरे 10 लाख का 20 लाख हो गया. बट द इन्फ्लेशन कम्स हियर, इट कम्स इन टू प्ले, एंड वॉट इट डज टू यू इज okay, now you are having such a big horizon, 25 years ka horizon. So actually what you are left with is ke aapko jo 20 lakh milne wala tha, wo 20 lakh ka 25 saal baad ka value kya hai, that is what we are looking at. And 25 saal ke baad wo 20 lakh ka value aapka shayad 5 lakh bhi nahi hoga. And that is what you have to realize when you are getting into such kind of instruments. It looks very attractive, double kar dega and all that, but whenever you are getting into debt,
and you are getting into a long-term commitment, it is going to erode your wealth. Just make sure of that. So please be aware कि डेट में कभी भी आप डालोगे तो कीप इट फॉर शॉर्ट टर्म, कीप इट फॉर योर कैपिटल प्रोटेक्शन, बट वेन एवर यू वॉन्ट टू गो फॉर कैपिटल अप्रिसिएशन, वेल्थ क्रिएशन, रिटायरमेंट प्लानिंग, एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, गो फॉर इक्विटी, गो फॉर सम म्यूचुअल फंड्स विच आर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, एंड यू विल हैव अ वेरी गुड थिंग एट द एंड ऑफ योर रिटायरमेंट. सो येस, आई एम ओपन फॉर क्वेश्चंस नाउ. I'll just go through the questions. And so, yeah, Jinal asks, when does using debt make financial sense and how can we strike a healthy balance between saving and borrowing, please? Yes, Jinal. So basically what you can do is, like I was repeatedly telling, शॉर्ट टर्म के लिए कभी भी आपको पैसा सेव करना है. इट इज ऑलवेज मेंट फॉर योर कैपिटल प्रोटेक्शन, इट इज नॉट मेंट फॉर गिविंग यू रिटर्न्स. अगर आपको कोई ऐसा प्रॉमिस कर रहा है कि आप मेरे पास 3 महीने के लिए पैसा रखो, मैं आपका डबल करके दूंगा, 25 दिन में पैसा डबल वाला स्कीम नहीं चलता है. सो जस्ट मेक श्योर इट इज फॉर योर कैपिटल प्रोटेक्शन. फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू सी वेन एवर यू आर गेटिंग इन टू डेट इज कि मेरा कैपिटल कितना बचा के रखेगा. बिकॉज वेन यू स्टार्ट गेटिंग ग्रीडी एंड वेन यू आर लुकिंग एट सम म्यूचुअल फंड्स, मे बी यू आर लुकिंग एट सम अदर डेट इंस्ट्रूमेंट्स जो आपको 7% नहीं, आपको 10% 12% रिटर्न दे रहे हैं, एंड यू विल बी थिंकिंग के ये डेट इंस्ट्रूमेंट ही तो है इवेंचुअली, सो इट इज गोइंग टू बी सेफ, लेट मी गो फॉर अ 12% वन, वाई शुड आई गो फॉर अ 7% वन. बट देन द क्रेडिट रेटिंग कम्स इन टू प्लेस. द क्रेडिट रेटिंग वेन एवर द क्रेडिट रेटिंग इज लो इन अ डेट इंस्ट्रूमेंट, वॉट यूजली हैपन्स इज के वो लो क्रेडिट रेटिंग इसलिए है बिकॉज डिफॉल्ट का चांसेस ज्यादा है. एंड वेन आई एम सेइंग डिफॉल्ट का चांसेस ज्यादा है, दैट मीन्स कि उसमें आपका जो कैपिटल प्रोटेक्शन है उसका प्रोबेबिलिटी कम हो जाता है. सो ऑलवेज गो फॉर हाई क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट्स वेन एवर यू आर गोइंग फॉर डेट एंड मेक श्योर दैट योर कैपिटल इज प्रोटेक्टेड. रिटर्न्स शॉर्ट टर्म में डोंट बी ग्रीडी, डोंट गेट इन टू इट. एंड ऑल्सो वेन यू आर टॉकिंग अबाउट बोरोइंग्स, सो वेन यू हैव वेन यू लेट्स से हैव सम बोरोइंग्स ऑल्सो, बट ऑल्सो यू वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन डेट, सो जस्ट मेक श्योर इट्स नॉट बैड टू हैव बोरोइंग्स एट ऑल. आप EMIs किसी चीज का पे कर सकते हो, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. एंड आई विल नेवर से कि मतलब कि आपके पास एक्स्ट्रा पैसा आ गया EMI में डाल दो खत्म कर दो करके, बिकॉज डेली नीड्स भी अपना बढ़ते रहता है. देर विल बी सम टाइम्स व्हेन लेट्स से योर फोन इज नॉट वर्किंग एट ऑल, यू नीड अ न्यू फोन एंड यू हैड सम फंड्स सेव फॉर योर फोन एज वेल. मे बी आपका एक लैपटॉप बिगड़ गया एंड यू यू हैड सम फंड्स विच वर फॉर द यूज ऑफ और फॉर बाइंग द न्यू लैपटॉप. तो उस टाइम पे व्हेन यू आर हैविंग सम फंड्स विच वर सेट असाइड, मे बी इन अ लिक्विड फंड, मे बी इन सम अदर इंस्ट्रूमेंट, मे बी इन थोड़ा सा एक अपने FD करके रखा था कि FD का पैसा मैं लैपटॉप यूज मतलब लैपटॉप नया खरीदने के लिए करूंगी या समथिंग लाइक दैट, इट इज नॉट अ प्रॉब्लम, यू कैन गो अहेड विथ इट. जस्ट मेक श्योर कि आपका जो रिक्वायरमेंट्स है वो आप फुलफिल कर रहे हो, बट एट एंड EMI पेमेंट्स आपका जिस हिसाब से जो शेड्यूल से चलते जा रहे हैं, लेट इट गो, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल. यू डोंट हैव टू फील गिल्टी कि मतलब कि मैं मेरे को 6% सिर्फ डेट में मिल रहा है एज एन इन्वेस्टमेंट, बट मैं 9% या 10% EMIs में भर रही हूँ. इट इज ओके, इट हैपन्स, नॉट अ प्रॉब्लम. बट आपका आज का रिक्वायरमेंट है वो भी तो फुलफिल करना जरूरी है. वॉट विल यू डू इफ यू आर नॉट हैविंग एनीथिंग टू वर्क विथ बट यू आर जस्ट ट्राइंग टू पे ऑफ द EMIs? इवेंचुअली आपका वर्किंग का जो एफिशियंसी रहेगा वो खत्म हो जाएगा एंड वी डोंट वॉन्ट दैट. We will be spending in places where we know that our efficiencies will increase, our comforts will increase. That is the reason we earn. So having borrowings is not a problem. Having borrowings at a higher rate than your debt investments is not a problem, as long as you are fulfilling your requirements of today in such a way that it is going to help you stay comfortable, stay efficient in the future and even today, in fact. Yeah, Jignesh is asking if is anyone group doing their MBA finance or have done? Okay. Chirag, what trends do you see emerging in the debt landscape and how will they impact our financial journeys? So Chirag, of lately, what has actually become very famous and it is becoming very popular is that government has opened their gates for individual investors to invest in instruments that are given by the government.
That is also a good investment to park your money. That is a good place to park because usually governments hardly default. And looking at our position in India, government and the RBI both are pretty robust. So getting into the government bonds is not bad at all. One thing that you also but have to keep in mind is that debt instruments may usually in institutions hote hai at play. So they are always looking for bulk deals to happen, bulk sales to happen. So usme agar individuals bahut sare aate hai, so usually the case is ke liquidity kam rehta hai. So aapka buying of bonds in the secondary market is also possible. Second, by secondary market, I mean to say ke jab jaise ki aap equity kharidte bechte ho, वैसे आप bonds भी बेच ले लेके ले सकते हो और बेच सकते हो. But again, the liquidity is very low. So not necessary ke, like for example, if you're buying a Reliance share, and 10 minutes later you realize ki अरे रिलायंस का शेयर नहीं लेना था मुझे आज, and 10 minutes later you are like मैं बेच देता हूँ, तो आपका buy भी within seconds हो रहा है, sell भी within seconds हो रहा है. But that may not be true with all kinds of debt instruments, because उसमें आपको कहीं ना कहीं liquidity का concerns आएगा, जो आप बेच रहे हो कि कोई और खरीदने वाला भी उसी टाइम पे होना चाहिए. सो जस्ट मेक श्योर के आपके पास वो लिक्विडिटी कंसर्न्स ना हो, बट अदरवाइज एज समथिंग दैट इज इमर्जिंग इन द डेट इंडस्ट्री, ट्राई टू मेक श्योर के कोई एग्जॉटिक इंस्ट्रूमेंट्स में आप नहीं घुसो. हाउ कैन वी अडॉप्ट आवर डेट मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज इन रिस्पॉन्स टू फ्लक्चुएटिंग इकोनॉमिक क्लाइमेट? So the best thing that you can do is go for any kind of floating rate instruments, because jo economy ka hoga wahi aapke instrument ka hoga. You don't really have to worry about what is happening. Aapka fixed rate hai to aapka, like I was telling you about the seesaw effect, to aapka capital protected rahega ki nahi agar itna fluctuating market hai to. So when you are with a floating rate, तो आपको मे बी इंटरेस्ट आज शायद थोड़ा ज्यादा मिले, कल कम मिले, परसों शायद वापस और ज्यादा मिले, बट एटलीस्ट यू नो दैट योर कैपिटल विल बी प्रोटेक्टेड. So always look for something which is in a floating rate. And at the same time, isme ek aur cheez dhyan mein rakhna ki when you are going for a floating rate, see when it is getting revised. Floating rate agar saal bhar ke baad revise ho raha hai, to prefer that less. Something which is getting revised in 6 months or maybe 3 months, prefer that more. What are some common mistakes people make while taking on debt? So yeah, while taking on debt, so Meera, when you are asking while taking on debt, I am considering you are asking about the loans that we take. So in that case, the biggest mistake that you can do is ke aapke paas fixed aapka obligations jo rahega EMI payments ka, wo aap itna bada do ki aapke paas koi paisa aapke khud ke kharche ke liye bache nahi. That is the biggest mistake and that is the most common mistake people make. Eventually kya karte hain, बहुत सारा EMIs ले लिया है, यू हैव वेरी वेरी लिटिल थिंग लेफ्ट विथ यू विच इज गोइंग फॉर योर ओन यूज, बट एट द सेम टाइम यू हैव अ क्रेडिट कार्ड, तो अपने क्रेडिट कार्ड को भी मैक्स आउट कर दिया, बहुत सारा खर्चा कर दिया. एट द एंड ऑफ द मंथ नाउ यू सडनली रियलाइज कभी क्रेडिट कार्ड का भी तो पेमेंट्स करना है, सो नाउ वेयर विल द मनी कम फ्रॉम? सो इवेंचुअली यू गेट इन टू मोर डेट, आप थोड़ा और इसमें से विड्रॉ कर लो और किसी फ्रेंड के पास से मांग लो कि मैं बाद में दे दूंगी. सो इवेंचुअली what happens is कि आपका fixed obligations इतना बढ़ जाता है कि आपके पास आपके खुद के spending के लिए कोई पैसा नहीं रहता है. So just make sure that doesn't happen. Advait, what role does debt play in a diversified investment portfolio? So when you are having a, so like I said, whenever you are going for debt, make sure it is for the short term. तो आपका कोई भी short term obligations रहेगा, short term आपका targets रहेगा which you want to meet, you can fulfill it very well, very easily by debt. Because equity में आप अगर short term के लिए रख रहे हो, I'll just give you a scenario of what will happen. We know how the markets are fluctuating right now. Last 3-4 days have just gone over the head of everybody. Usually क्या होता है इसमें कि अगर आपने equity में पैसा रख दिया कि आपको 6 महीने बाद चाहिए, but मैं equity में डाल रहा हूँ because equity market तो बहुत अच्छा वैसे भी behave कर ही रहा है. So let me put it there. Let's say today you have put it in equity. At the 5th month. Let's say there is another war taken place. China has invaded Taiwan, for example. Abhi aisa koi war situation aa gaya, global situation, nothing related to the stocks that you've put in, nothing probably related to India right now immediately. But just because the market sentiment has gone bad, what will happen is ki aapka sara stocks ka jo bhi value rahega, everyone will start selling it immediately. Everything will go down.
And now when you are having that obligation or that target of yours, which you have to fulfill after 6 months, you cannot keep that target at the mercy of somebody's sentiments. So that is the reason we always say that debt ko aap le rahe ho to short term ke liye rakho, capital protect karo, and aapka jo bhi target hai short run mein, within the 3 years, within 2 years, within 1 year, just go for debt, fulfill it with debt. That is the best thing that debt can do for your investment portfolio, even if it is as diversified as possible. Siddhi is asking, what are the benefits of investing in bonds compared to other investment options? So yeah, Siddhi, I'm just going to talk to you about the bonds which are having a very good credit rating. I'm not talking about single A bond, triple B bond, or triple B minus wala bond, jo zyada risky hote jata hai. I'm just talking about the bonds which are coming from good institutions, which have a good track record. And we know that मतलब कि there is a high level of certainty कि यहाँ पे कोई default का event नहीं आएगा या कोई ऐसा event नहीं आएगा कि जहाँ पे वो लोग ने payment में कुछ गड़बड़ कर दिया, delay कर दिया, slow कर दिया payments, कम कर दिया payments, ऐसा कुछ भी नहीं होगा. There is no drama basically attached to it. So whenever you are investing in bond, so the benefit over here is कि आपका capital protected रहेगा. You will have a stable rate of interest that you are getting. Now, if you are investing in, let's say, a FD versus a bond, bond might have a little better rate of interest compared to FD. But again, there will be some liquidity issue if you want to sell it immediately. FD, आपको break करना है तो in a day or two you can break. Maybe just go to a branch, tell them कि मतलब मेरे को break करना है. Within few minutes, the money is in your bank account. But that may or may not be true with bonds, because bond आप जब भी बेच रहे हो तभी सामने खरीदने वाला भी उस मतलब वही बॉन्ड लेने आना चाहिए तो वो होगा. सो कैपिटल प्रोटेक्शन इन एनी काइंड ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट नॉट जस्ट बॉन्ड इज गोइंग टू बी देयर बट लिक्विडिटी कुड बी अ कंसर्न. सो जस्ट मेक श्योर दैट डोंट गेट टू मच इनटू इट. अनिकेत इज आस्किंग, आर देयर एनी साइंस दैट इंडिकेट अ बॉन्ड माइट बी अ रिस्की इन्वेस्टमेंट? यस, फॉर एनी काइंड ऑफ बॉन्ड और एनी काइंड ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट दैट यू आर गोइंग फॉर, there will be two things that you have to look for. One is कि आपका rate of interest आप देख लो. Usually the indication is कि जितना ज़्यादा rate of interest रहेगा ना उतना ज़्यादा risky रहेगा. Why I'll tell you? Because let's say I am company A, you are company B, and मेरा financials बहुत खराब है, आपका financials बहुत अच्छा है. अभी आपका अगर financials अच्छा रहेगा, so now you have that kind of capacity where you can go to public and say कि मेरे को कुछ फंड्स रेज करना है, दीज आर द बॉन्ड्स दैट यू कैन इन्वेस्ट इन, एंड आई विल गिव यू 7% ऑन दिस, एंड आई एम गोइंग टू गिव यू 7% बिकॉज यू नो दैट योर कैपिटल इज गोइंग टू बी प्रोटेक्टेड. आई एम हैविंग अ वेरी गुड बैलेंस शीट ऑफ माइंड, सो देर इज वेरी लेस प्रोबेबिलिटी दैट आई विल डिफॉल्ट ऑन एनी ऑफ माई ऑब्लिगेशंस और इवन डिले एनी ऑफ माई ऑब्लिगेशंस. नाउ लेट्स से एट द सेम टाइम इफ आई एज अनदर कंपनी हैविंग बैड फाइनेंशियल्स इज ऑल्सो कमिंग इन टू अ मार्केट एंड again telling the people ki these are my bonds, I also want to raise some money and I will also give 7%, to mera bonds koi khareedega hi nahi. And the reason being ki when you gave out those bonds, you are having a very strong balance sheet, there is a certainty that you will pay off everything in time, versus my company which may or may not pay everything on time, which may default because mera balance sheet theek nahi hai. So aise time pe investors will not come to me and they will be like ke tera bonds hum log lene ko taiyar hai, but then we cannot accept 7%, we will accept let's say 10% or 12%. Agar mere ko utna mil raha hai to hi main hum log buy karenge, warna we are not interested in your bonds. Eventually what will happen is mera jo fund issue rahega bond ka, that will just go dry because nobody is ready to invest at 7% when it is getting a 7% of a good company. So that is one thing. Second thing, if you are not really getting into that company, knowing whether the balance sheet is good, bad, what. So as law, कोई भी bonds issue करता है, so then there is a credit rating attached to it. So there are some reputed companies like CRISIL, CARE, ICRA, India Ratings, जो ये सब credit ratings का ही काम करता है. So what they do your job basically. What they do is के वो लोग balance sheets में dig in करते हैं. वो लोग देखते हैं कि कंपनी का कैश फ्लो ठीक है कि नहीं, प्रॉफिटेबिलिटी ठीक है कि नहीं, वो लोग जो जगह पे ये फंड्स यूज करने वाले हैं ये बॉन्ड का, वो ठीक जगह पे कर रहे हैं कि नहीं.
देन देर विल बी अपडेट्स ऑल्सो कि वो लोग ने एक्चुअली वही जगह पे यूज किया है कि नहीं. दिस इज वॉट अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी डज एंड देन इट गिव्स आउट अ रेटिंग. देर विल बी अ रेटिंग लाइक अ ट्रिपल ए प्लस और A1 और जस्ट ए विच विल सिग्निफाई कि मतलब कि वेन देर इज अ ए रेटेड बॉन्ड और अ ट्रिपल ए रेटेड बॉन्ड दैट मीन्स it is having a good financial backup of the company and it is a safer option as compared to a triple B rated bond or B3 rated bond. So just look for these two things. First indication is कि आपका interest rate जो रहेगा बहुत ज़्यादा अगर कोई दे रहा है that means the company is not very healthy. Second is if you are really not able to look through that or not confirm with that, go for the credit ratings, see what the credit ratings are. एंड उसमें आपको पता चल जाएगा जितना A, A1, AAA, AA जितना रहेगा उतना ज्यादा सेफ, जितना B, C, D कैटेगरी में आते जाएगा उतना वो खराब है. एंड जस्ट एज अ मेजर एनीथिंग दैट इज वर्स देन BBB इज नॉट इन्वेस्टमेंट ग्रेड सो डोंट गेट इनटू इट. वो सब इंस्ट्रूमेंट्स बेसिकली उन कंपनीज के लिए होता है जिनके पास और उन इन्वेस्टर्स के लिए होता है जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है हु can afford to lose money, who can afford to play with their money. So it's for them. It is not for you and me who are just trying to build their wealth and trying to meet their targets. Anand is asking, how do government bonds differ from corporate bonds? So government bonds ka backing jo rehta hai, that is from the government of India versus the corporate bonds which are given out by companies. Usually the difference is in the risk factor. कोई भी कंपनी रहेगा द कंपनी इज ऑपरेटिंग विद इन एन इकोनॉमी विद इन द मार्केट तो यूजुअली द रिस्क एसोसिएटेड टू अ कंपनी वर्सेस द रिस्क एसोसिएटेड विद अ गवर्नमेंट बॉन्ड तो कंपनी का रिस्क कभी भी थोड़ा हाई होता है बिकॉज ऑफ विच द रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन बाय द कंपनी इज कंपैरेटिवली हायर देन व्हाट द गवर्नमेंट बॉन्ड डस. गवर्नमेंट बॉन्ड भी आपको अलग अलग टेन्योर्स के लिए मिलेगा. यू कैन गेट समथिंग लाइक एन ओवरनाइट बॉन्ड ऑल्सो सम ओवरनाइट पेपर ऑल्सो यू कैन गेट फॉर 90 days यू कैन गेट अप टू 180 days 1 year, 3 years, 5 years, 10 years, government bonds आपको मिलेगा. Corporate bonds also you can get for such tenures, but usually corporate bonds का जो debentures रहता है, that is usually having, let's say, 3 years का tenure at least. They don't give out 90 days or what's up to individual investors very, very quickly and very easily. That is usually for the bigger corporates, bigger institutions who want to invest. But as an individual investors, you can get into a corporate bond of any company, which is having some good financials or a good rating. And they can give out decent returns, something like 8% or maybe 9% even. Desmond, hi Siddharth, how can we assess if we are over leveraged and carrying too much debt? Desmond, very simple thing to do is to see how much money do you have left at the end of all the obligations that you've paid. If your ideal case scenario is ki aapka jitna bhi debt ka obligations rahega, including your EMIs, other interest payments or whatever you are having, it should be as low a percentage of your total salary as possible. Meaning that I'm not saying ki aap loans kabhi mat lo, but then make sure ke, because you are also having a lot of things which are on your plate for which aapke day-to-day expenses jisme se jayenge. आपका घर का खर्चा रहेगा वो उसमें से जाएगा. देर विल बी लिटिल लिटिल बिट ऑफ सम रिपेयर्स मे बी सम मेडिकल एक्सपेंसेस दैट यू आर टेकिंग केयर ऑफ. देर आर सम इन्वेस्टमेंट्स दैट यू वांट टू मेक. देर इज एन इमरजेंसी फंड दैट यू आर होल्डिंग जिसमें आपको थोड़ा थोड़ा करके पैसा डालना है. देर आर सम SIPs दैट यू आर डूइंग. सो इतना सारा ऑब्लिगेशन होने के बाद इवेंचुअली यू शुड स्टिल हैव समथिंग लेफ्ट विथ यू एट द एंड ऑफ द मंथ. Because you cannot max out your salary to the point ke aapne investment bhi kiya hai, EMIs bhi bhara hai, baki kuch obligations rahega wo bhi kiya hai, and then eventually you are left with peanuts. That will never give you an incentive to go to work for another day. That will never give you incentive ke main aur achha kaam karu, aur better perform karu, and let me try to get a bigger salary, a bigger package. Or basically it will frustrate you. So just make sure as much as possible that you are having as much as you can at the end of the month or end of your obligation cycle so that you can spend it on yourself for upgrading your lifestyle. It is for your own comforts. It is for your own luxuries that you want to spend. Maybe you just want to give an extravagant date. So just go for that.
एंड वो जो पैसा आप यूज करोगे एट द एंड ऑफ दैट ऑब्लिगेशन साइकिल, वो पैसा आप गिल्ट फ्री यूज कर पाओगे. एंड देन इट वॉन्ट मैटर कि आपने 1,000 रुपये का जीन्स खरीदा कि 3,000 रुपये का जीन्स खरीदा, बिकॉज इवेंचुअली इट इज अ फ्री मनी दैट यू आर हैविंग आफ्टर गिविंग आउट ऑल दी ऑब्लिगेशंस, आफ्टर डूइंग ऑल दी इन्वेस्टमेंट्स. तो ये पैसा आपका आपके आज के लिए है, आपको जैसा खर्चा करना है करो. या सो वी आर डन विद द क्वेश्चंस. आई विल सी यू नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन. बाय.